अपने अपने काम में सब लोग जो है यहाँ पे लग चुके हैं। आज का मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा भयानक सा हो गया है। भयानक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गर्मी जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। टेम्परेचर लगभग 39 है और थोड़ी देर बाद अभी टेम्परेचर इसका 41-42 जाने वाला है। मतलब घर से बाहर निकल पाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये लू जो चल रहा है ना, ये लगा तो आदमी गया ऊपर। हमारे यहाँ पे गांव में बहुत सारा ऐसा ऐसा केस हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ दिखाना है मुझे। यहाँ पे देखो, कटहल देख रहे हो कितना सारा हुआ है, बस ग्रोथ हो जाए इसका। ये कितना इतना बड़ा बड़ा जाता है, मेरे सिर से लेके यहाँ तक, ऐसे इससे भी बड़ा बड़ा, लगभग 12-12 किलो का इसका वेट जाता है। अब अगर ये तूफान से गिर गया तो बात अलग है, जब हवा वगैरह चलता है, और अगर ये टिक गया ना तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कटहल का इस्तेमाल हम लोग आपको अलग अलग तरीके से करके दिखाने वाले हैं। आज क्या होने वाला है, जितना भी एसी यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्स, क्योंकि इस लड़की ने बोला है कि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, एसी के डब्बे में साबुन निकल जा रहा है। लॉजिक देख रहे हो, इतना बड़ा डब्बा में इतना छोटा साबुन कैसे निकलेगा, यही मैंने बोला इसको, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। इसलिए मैंने बोला कि चलो सीधा सबके सामने बॉक्स खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर साबुन निकलता है या एसी। चलिए, नहीं इसके अंदर बड़ा साबुन निकलेगा, इसका कह रहा ये था ना, नहीं इतना साबुन कह रही थी। हेलो, आगे चलो यार, ये पंखा होगा, ये पंखा एसी है। ए भाई, एक बंदा एक ही पे फोकस करो, सब अलग अलग खोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग खोल रहे हैं कंप्रेसर। एक मिनट, हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बड़े बड़े बॉक्स को खोल रहे हैं, एक साथ खोल रहे हैं। ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा अनबॉक्सिंग हो रहा है। किसी ने वीडियो में कमेंट भी किया था कि आप लोग मिस्ट्री बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला वीडियो करो। दिस इज द मिस्ट्री बॉक्स फॉर अस। हां, काइंड ऑफ, क्योंकि इसने बोला ना कि साबुन निकल सकता है, तो ये तो कहीं ना कहीं मिस्ट्री ही है ना। चलिए, क्या हुआ, कुल्हाड़ी रखना यार, ठीक है। एक बात सुन, अपना घर तो मिट्टी का है, वो तो ऊपर से सीमेंट का दिखता है ना, लोड ले पाएगा इतना एसी का। तुम लोग जानो भाई, एसी के साथ साथ इन लोगों ने स्टेबलाइजर वगैरह सब मंगवा दिया है। मेरे कमरे का दीवार इधर और इधर वाला ऐसे ऐसे हो गया है। उसको ऐसे ऐसे करके एडजस्ट किया गया है, ऐसे ही लगा के। फाइव चैलेंज कौन किसके कदम है। नहीं नहीं अभी चलो, ये तो साबुन नहीं है, कंफर्म हो गया, उठाओ। अरे इंजीनियर आके कहेगा कि हम लोग बदल लिए थे माल, तो लो उठाओ। भाई हम लोग खुद से इसको वो करने वाले हैं। एक्स टॉप 3 पंखा बहुत अच्छा है, इस वजह से पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये पंखे की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, हो सकता है दिमाग लगाना। ये कौन सी कंपनी वाला है, सुन ना, मैंने क्या सोचा है, मैंने ये प्लान किया है कि मेरा जो हॉल वाला एसी है वो पूजा के रूम के एसी से रिप्लेस कर देते हैं। हॉल वाला जो एसी है ना, वो पुराना वाला एसी है, जो पुराने वाले में ओरिजिनल कॉपर आता था वो वाला। सुनो, समझ रहे हो, लाइफ टाइम तो पूजा फ्री हो जाएगी। ये वाला है क्योंकि 3-4 साल के बाद अल्यूमिनियम है इसके अंदर। नहीं तो ये का मत करो यार, तुम नुकसान में पड़ जाओगे। नहीं यार, बता रहे हैं इसके हॉल के एसी के कारण मेरा चैन से रहना हराम है। अगर आज आता है इंस्टॉलेशन वाला, तुम्हारा हम पाइप निकलवाएंगे अपने रूम से। नहीं, खरवाता है पूरा कमरा मेरा तुम्हारे एसी के कारण। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरा वाला बॉक्स ओपन करने के लिए। चलो ठीक है, पूजा जी रेडी, मंगल रेडी, करो जल्दी करो यार, चलो चलो। इसके अंदर आदमी है, अरे अपना भी विशन है यार, अरे आदमी के बाल भी है इसका, अरे तो अपनी मम्मी का बेटा है। अरे ये शिवम है यार, देख उन्होंने फिर बैंक उसमें तो घूम रहा था। अरे तो मेरा भाई है, कैसा लगा दोस्तों हमारा मजा। तुम इन बार मिस करना कब चले गए, डिलीवरी हो गया बिल्कुल, जंप मार। अरे यार डिलीवरी, चलो तुम पड़ोसी घर कर आते हैं दोस्तों। इतना सस्ता नहीं हूँ बेटा, सुन मजाक था ये, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूँ। ये वाला चक्कू हटा, चक्कू निकाल दे शिवम, ये गोवा से लिया है, खराब है, समझ में आ रहा है मुझे, तुम क्या बताना चाह रहे हो। ये पैंट उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुमको पता है मंगल शिवम दो पैंट पहनता है। नहीं हाँ भाई, इसका जो कच्चा है ना वो निक्कर, मेरे निक्कर के बराबर होता है, इतना बड़ा कच्चा। मैंने क्या बोला था, दो पैंट पहनता है, देखो पैंट के अंदर पैंट, उसके अंदर एक कच्चा भी होगा।
वी कट वाला, फिर उसमें सुपर लाइन वाला, तो अगर 4 से 5 तो चल रहता है, ये सेफ्टी का फुल जिम्मेदारी रखता है। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको सकरा जाएगी, निकल भी खोल लेगी। किसी को भरोसा नहीं है। बात यह है ना कि हम लोग बचपन में ना बदमाशी करते थे तो नंगे करके भगा दिए जाते थे यार, ये बात है और कोई बात नहीं है। और लड़के बदमाश हुए तो लड़कों को नंगा करके मुर्गा बना के अब पीठ पे ईट रखवा के कहा जाता था कि बोलो कुकरू को। नहीं नहीं, मंगल का तो फोटो भी है, अगर आप विद गिनी पान जहाँ सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मंगल का वहाँ पे नंगा हाथ में बेल्ट लिए फोटो आपसे शेयर करते हैं। चलो ठीक है, अब लेकिन अभी तो एक ही बस अनबॉक्स हुआ था, इतना जल्दी जल्दी करते हैं। करो अब सारे बॉक्स के अंदर तुम नहीं निकलो, सबको कोई अनबॉक्स। अरे भाई साहब, ऐसे ही होता है बॉक्स। इसे रखो, इसे रखो, साला फाड़ दिया तुम इसको, फाड़ दो। बांधा हुआ था ना इसीलिए वो रोल। चलो इसको चला थोड़ा दिखी देगा। अभी हम सब लोग ना सारा अनबॉक्स को एकदम अनबॉक्स करने वाले हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं सारा अनबॉक्स होगा। चलो चालू हो जाओ, अपने अपने काम में सब लोग जो है यहाँ पे लग चुके हैं। भाई इसका तो कट ही नहीं रहा है यहाँ पे। राम कोई तो चप्पू है, सबसे शार्प मेरा वाला है, सबसे देखो शार्प मेरा है। अरे यार मैं पूरा बता भाई, ले सबसे पहले मैंने बोला है तुम्हारा छोटा है ना, मेरा वाला कंप्रेसर है। प्रिंटेड नहीं है वो स्टिकर है, यू कैन रिमूव दैट। कौन सा? वही वाला फ्लावर। नहीं वो फ्लावर शायद ये भाई चप्पू से ज्यादा तेज तो मेरे हाथ का नाखून होगा। बाप रे, बहुत नाखून पे इस्तेमाल करके खुला मंगल। हां मेरा चप्पू लपके लपके बचा है इसी के ऊपर। चलो मैं इधर मदद कर देता हूं। आज हो गया ना, मेरी लाइन पहली बार कोई बॉक्स खोला है। ये पकड़ो। अरे यार उल्टा था, ऐसे हो गया। अरे यार पागल अगर हो गए हो क्या यार? क्या हुआ? खस खस से बीमारी है हमको। ये हो गया दूसरा अनबॉक्स, ये हो गया तीसरा अनबॉक्स। यार मुझे तुम्हारे रूम में तो आग उसको लगा देना चाहिए था। लगा कहाँ है वो, आया कि नहीं? वही दिन से तारे उधर कौन लगी। यस, और ये और क्या क्या है? ये नहीं निकलेगी क्या? अरे मम्मी पूरा मत खोल, रहने दे भाई। एक को तो निकाल के देखने दे पूरा। ना ना रहने दे भाई, इतना सारा ये स्वयं बाबा। ओए इतना मत खोलो ये, कि हमको पैक ना हो भाई। इतना मत खोल कि इसको वापस कर दिया जाए। बस कर दो यार, पूरा मत खोल। देख रहा हूं भाई कैसा है डिजाइन। ये स्टिकर नहीं है भाई, बड़ा ये स्टिकर नहीं है, परमानेंट है ना? हां ये रिमूव नहीं होगा यार। क्या लफड़ा है यार, हमको नहीं चाहिए होता ये सब चीज। पूजा यार अब इसके ऊपर रैपर लगाना पड़ेगा पूजा को। नहीं भैया ने बोला ना कि इसमें एआई वगैरह है, तो एआई वो इंप्रेस हो गई। एआई एआई का यूज क्या है वो पता नहीं। ना बनाने को बोले थे जो ये सब इन्वर्टर पे चलने वाला है। ये इन्वर्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं इन्वर्टर एसी है बेवकूफ, कम वोल्ट लेता है। जब मेरा वाला नहीं खोलेगा तो मत ही खोला सब प्लीज। रिमोट भी दिखा देंगे। नहीं तुम्हारा देखने का तो अगर पांडा इधर आ गया ना तो उसको दिखेगा वाओ। भाई सब लोग अपना रिमोट संभाल के रखना। वैसा ही है। ये क्या रोलर दिया है बे? यार कुछ टाइम तक तो पन्नी में ही रहने देना। देखो अभी तो आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि साला भाई तो तुम लोग ऐसे है, मेरा तो है नहीं, तो खुद ही जिम्मेदारी देखो ना। अरे हम लोगों ने स्टेबलाइजर नहीं खोला, देखो यहाँ पे तीन तीन। मत खोलो, इसको क्या करना है खोल के? ये यार तुम देख ना ये क्या दिया है, चिपकाने के लिए है। ये टेप तो नहीं है कुछ? हाँ, टेप वही है, सील वील करने का होगा ना। बंद कर दो, पैक करो सब, जैसे खोले हो वैसे ही। तो ये तो था अनबॉक्सिंग, अब इसको वापस से भाई बॉक्स में डाल रहे हैं, क्योंकि एसी इंस्टॉल करने वाले भैया कब आने वाले हैं उसका हमें खबर नहीं है। अरे हट, इतना बड़ा कार्टन लेके मुंह ढक के खड़ा है। अरे साला ये कहां लेके जा रहा है, किसका सप्लाई है? रुक रहा है, हॉल वाले ला रहे, देखता हूं क्या पता मेरा वाला एसी अच्छे से चलने लग जाए। तो? लेकिन बिजली नहीं, अभी कैसे जलाएगा साला बच्चा की तरह।
तो हमारा वाला स्टेबलाइजर ले लेना कोई। नहीं नहीं लिया जाएगा, कोई बात नहीं, पापा को बोल देंगे, पापा ले लेंगे। बड़े आए तुम, सब इस घर में सबसे रॉयल लाइक यही आईफोन यूज करना है, एसी में सोना है और करना धरना कुछ नहीं है। 15 साल से इसका जीवन ऐसे ही चल रहा है लड़के का। क्या करे भाई, जिस घर में ऑलरेडी 5 लोग हो 6 लोग काम करने वाले, एक और बंदा काम करेगा अच्छा लगेगा, सब लोग काम करेंगे घर में। ये लो घर चक्कू रखो, दो ले जाए सब्जी काटे के दो ना, तो पापा ने उसको पैक करो। अरे इसमें वजन है, प्लीज कोई नहीं। और ना इस घर में हमको नहीं एसी और चाहिए, हमारा पूरा घर एयर कंडीशन है। एसी तो आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम है बिजली का। बिजली का यहाँ पे वोल्टेज का बहुत सीन है, अच्छा वोल्टेज लगवाना पड़ेगा। शिवम एक बड़ा वाला वो लगवा लो ना, जनरेटर इन्वर्टर जो होता है। मैंने प्लान कर रखा है, देखो पहले तो सारा एसी जो है वो इन्वर्टर एसी है, यानी कि कम वोल्टेज वाला। मैंने प्लान कर रखा है 15 kW का सोलर लगवाने का। अब शिवम जिस दिन मन बनाएगा उस दिन ये काम चालू होगा, ठीक है। 15 kW का सोलर पैनल लगवा लेंगे, उसके बाद पूरा दिन जो है बिजली फ्री। अगर आपका सोलर का बिजनेस है तो प्लीज हमें सपोर्ट, मतलब हमें अपने घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम पड़ रही है, खास करके गर्मी के दिनों में बहुत प्रॉब्लम। गर्मी के टाइम में भाई लोड ही नहीं लेता है बिजली, बिल्कुल भी लोड नहीं लेता। एक मोटर ऑन कर दे और उसके बाद एक एसी ऑन कर दे भाई, या तो मोटर पानी कम देगा या फिर एसी कूलिंग कम देगा, दोनों में से एक चीज। अनबॉक्स तो हम लोगों ने कर दिया इतने खुशी में, अब इसको वापस से पैक करने में ना बैंड बज रहा है। मजदूर बने हुए हैं सबके साथ। हाँ, कितने दिनों बाद, कोई जरूरी नहीं है कि कब आएगा इंस्टॉल करने वाला। दोनों पट्टी सब काट कर दिए, इधर-उधर कर दिए। नहीं, मुझे ये वाला अपना इंस्टॉल करवाना है। ओ देखो देखो लड़का गिर जाएगा लगता है। गिरेगा नहीं यार इसके ऊपर से। पूरे घर के सप्लाई के लिए चाहिए स्टेबलाइजर, तो उसके लिए कम से कम लगता है कि 40,000 ऊपर का स्टेबलाइजर बनवाना। जो लोग शहर में होते हैं उनको नहीं समझ में आएगा अगर स्टेबलाइजर वाला इशू, तो वो ये है क्योंकि हमारा जो मुन्ना है वो भी नहीं समझ पाया था। हमारे यहाँ ना, हम लोग गांव में रहते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में वेरिएशन होता है वोल्टेज का, कुछ भी आ सकता है वोल्टेज कम ज़्यादा, और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू नहीं रहती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी होती है वो उतने पेपर वर्क और सिस्टम के थ्रू नहीं होती है। हमारे यहाँ होता है तार डाल के खींच लिया, चल रहा है, बिल आएगा नहीं आएगा वैसा टाइप का। अब थोड़ा सा रेगुलेट हुआ है पिछले 1 साल से, तो इस वजह से ना हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिलती भी नहीं है। तो अगर जैसे शहर में होता है कि आप एसी वगैरह लगा रहे हो तो उसके लिए कनेक्शन और बिजली बिल ये सब पेपर वर्क दूसरा होता है, हमारे यहाँ वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हमें ये एक ऊपर से वोल्टेज सप्लायर चाहिए होता है एक्स्ट्रा, इसलिए हम ये लगवाते हैं ताकि वोल्टेज पागल नहीं सब लोग लगवाते हैं, जो भी जिनके यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम हो या ना हो सब लोग स्टेबलाइजर मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। ये लो लेवल की सिटी में है, जैसे मुंबई दिल्ली में इसकी जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, क्योंकि वोल्टेज आता है मतलब पर हाउस सप्लाई उस हिसाब से मिल जाता है लोगों को। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हम लोगों को अनबॉक्स करना था। एक्चुअली हम लोग चाह भी रहे थे कि एक बार देख ले, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है, मतलब एसी वगैरह में तो ऑफलाइन में मोस्टली नहीं होता है, लेकिन मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाया था, बड़ा बड़ा सा ऐसे बेड वगैरह मंगवाया था, और वो 4-5 दिन बाद अनबॉक्स किया मैंने, 10 दिन बाद, और वो ना टूटा निकल गया। इसीलिए थोड़ा अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोगों ने खोल के उसको देखा, अंदर सब कुछ सही है, बस इंस्टॉलेशन वाले भैया का पता नहीं कि वो कब आएंगे। और अब देखते हैं कि क्या होता है, इतना सारा एसी एक बार में चल पाता है या नहीं। बिजली का यहाँ पे थोड़ा सा मामला ढीला है बस इसीलिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अभी हम चलते हैं अंदर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आपसे मिलते हैं कल दोबारा एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।